अफसोस तो इस बात का रहेगा कि काश मैं अपने भाई साहब से कल रात मिल पाता। अरे मुझे क्या पता था कि अब उनसे कभी भी मुलाकात नहीं हो पाएगी। चाचा आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? इस घर में सभी लोगों के पास मिस्टर आहू जाके खून करने का कोई ना कोई मकसद जरूर था, सिवाय नंदिनी के। मैं जानती हूं मेरे पति का कत्ल तुम्ही ने किया है। देखना तुम, मैं तुम्हें सलाखों के पीछे कैसे भेजती हूँ। दिल से पूछी, को लगता है मैं बाबूजी का खून कर सकती हूँ? मैं जानती हूँ वसीयत में क्या लिखा है। सब कुछ मेरे और मेरे बच्चों के नाम किया गया है। और रवि के नाम? कुछ नहीं। सलोनी, मुझे तुमसे जो कहना था मैं कह चुका हूं, और प्लीज प्लीज सलोनी, मुझे इस बारे में आज तो कोई बात नहीं करनी है। लेकिन रवि, मुझे समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूं। मैं मानती हूं कि मुझे नंदिनी पसंद नहीं है, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं तुमसे प्यार करती हूँ। बट इट्स ओके, मैंने अपनी किस्मत के साथ समझौता कर लिया है कि मेरी किस्मत में तुम हो ही नहीं। लेकिन रवि, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। रवि, नंदिनी इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है, और मैं तुम्हें नंदिनी के लिए परेशान नहीं देख सकती। रवि, अगर तुम मुझे अपना अच्छा दोस्त मानते हो, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं, तो तुम्हें तुम्हारी और नंदिनी के रिश्ते के बारे में बताना पड़ेगा कि तुम उसे कहाँ मिले, कब मिले, उसका अतीत। रवि, कुछ तो बताओ, कुछ तो बताओ रवि, प्लीज। मैं जानता हूं सलोनी, तुम कोई खेल खेल रही हो, लेकिन तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए मुझे एक झूठी कहानी सुनानी होगी। प्लीज बताओ ना रवि, प्लीज। तो ठीक है, सुनो। नंदिनी एक अनाथ लड़की है, इस दुनिया में नंदिनी का कोई भी नहीं है। रेस्टोरेंट में नंदिनी का वेट करते रहे करते रहे, पर वो आई नहीं, और मिली भी तो वो तुम्हें हॉस्पिटल में मिली, अपनी याददाश्त खो बैठी थी। हाउ सैड। अच्छा रवि, तुम मुझे बता सकते हो कि वो हॉस्पिटल का नाम क्या था, और वो हॉस्टल जहाँ पे वो रहती थी उसका नाम क्या था? तुम अच्छी तरह जानती हो सलोनी, हमारे घर में क्या हुआ है। मैं बहुत परेशान हूं, इसलिए नाम इस समय दिमाग में नहीं आ रहा। क्या फर्क पड़ता है सलोनी, मेरे और नंदिनी के अतीत का हमारे आज से क्या लेना देना है? कुछ भी नहीं। हाँ लेकिन रवि, कुछ तो याद करो। आई प्रॉमिस यू सलोनी, जैसे ही मुझे कुछ भी याद आएगा मैं तुम्हें बता दूंगा।
ओके रवि, कूल डाउन। जब भी तुम्हें याद आए तो बता देना। रवि, रिमेम्बर वन थिंग, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं सब कुछ भुलाकर तुम्हारे पास आने के लिए तैयार हूँ। देखो नंदनी, मुझे और सलोनी को लेके तुम प्लीज अपने मन में कोई भी गलत बात मत लाना। नंदनी, जब से इस घर में आई मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, फिर मैं कैसे कह सकती हूँ क्या सही है और क्या गलत। कहाँ जा रही हो? बाबूजी के रूम में। इस घर में एक वही जगह है जहाँ जहाँ मेरा जी नहीं घबराता।
बाबूजी के रूम में क्या कर रहे हैं? और फिनाइल की बोतल के साथ उनका क्या काम? बहुत परेशान है, कहीं पाप तो नहीं कांप रहे आपके? क्या बकवास कर रही हो? एक बात तो बताइए, बिल्ली खीर खाकर मरी या आपके जहर से? तू कहना क्या चाहती है? मैंने बिल्ली को मारा है? ये तो मुझसे बेहतर आप जानते हैं ना। लक्ष्मी बाई ने पुलिस को इन्फॉर्म किया क्योंकि उसे ऐसे लगा कि बिल्ली की मौत खीर खाने से हुई है। हाँ नैना, हाँ 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 हाँ, कितनी बार नैना, एक ही सवाल मुझसे कितनी बार पूछोगी तुम? एक बार नहीं, हजार बार पूछूंगी, क्योंकि तुम नहीं जानते कि नंदिनी कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकती है। पर क्यों और कैसे नैना? नंदिनी बाबूजी को क्यों मारेगी? इस सब में नंदिनी का क्या फायदा नैना? फायदा नंदिनी का नहीं रवि, फायदा जहर देने वाले का होगा। तुम एक बात भूल रहे हो कि इस सब में नंदिनी को मोहरा बनाया गया है। खीर नंदिनी ने बनाई थी और अपने हाथों से अंकल को खिलाई थी, ये बात तुम जानते हो। मैं जानती हूँ कि नंदिनी बेकसूर है। अगर हमें नंदिनी को बचाना है तो एक वकील होने के नाते, तुम्हारी दोस्त होने के नाते मुझे सारे एंगल्स देखने होंगे, और इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे सारे सवालों के सही सही जवाब दो। रोजी, तुम सारे पॉइंट्स नोट करो। यस मैम। पूछो, क्या पूछना चाहती हो तुम? सोनिया के कहने के मुताबिक उस रात कमरे में कौन कौन गया था? सतपाल चाचा, माँ, शालिनी मामी, लक्ष्मी आई, और आखिर में नंदिनी उस कमरे में गई थी। क्या सोनिया ने कमरे में किसी की भी बातें सुनी थी? नहीं, सोनिया ने कुछ भी नहीं सुना था। रवि, तुम्हें किस पे शक है? शक नैना, किस पे शक करूं? किस पे शक करूं? सतपाल चाचा पे, माँ पे, शालिनी मामी पे, किस पे शक करूं नैना? मुझे इन तीनों पर ही शक है। नैना, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये सब मेरे परिवार के लोग हैं नैना, इनमें से कोई भी बाबूजी को क्यों मारना चाहेगा नैना? Why don't you understand one thing, रवि? अंकल की मौत अचानक हो गई है। माना कि वो लंबी बीमारी से जूझ रहे थे, पर
पर कल जब पापा अंकल को मिलने गए थे तो अंकल बड़े खुश नजर आ रहे थे। वकील अंकल कल बाबूजी से मिलने गए थे? हाँ, अंकल ने ही पापा को बुलाया था। पापा ने कहा कि वो बहुत खुश नजर आ रहे थे और पहले से उनकी तबीयत बेहतर थी। हाँ हाँ नैना, और जानती हो क्यों? क्योंकि नंदिनी को बहू के रूप में पाके बाबूजी बहुत खुश थे नैना, बाबूजी बहुत खुश थे। और देखो ना, बाबूजी की मौत का इल्जाम नंदिनी पे ही लगाया जा रहा है। अभी तो पुलिस को नंदिनी पे सिर्फ शक है, जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ जाती कुछ नहीं कहा जा सकता। नैना, नैना, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में अगर कहीं पुलिस ने यह कहा कि बाबूजी की मौत खीर खाने से ही हुई है तो? तो नंदिनी का बचना बहुत मुश्किल होगा। आपका साथ दूं? आपको, आंटी को, चाचा जी को, सबको अपना अपना हिस्सा चाहिए, लेकिन मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए, मुझे रवि चाहिए। अगर तुम्हें तुम्हारा रवि चाहिए तो तुम्हें हम सबका साथ देना होगा, समझी? मगर क्यों? क्योंकि एक बात याद रखना, दीदी उस नंदिनी को चैन से जीने नहीं देंगी, उसे इतना परेशान कर देंगी कि उसे एक ना एक दिन यहां से ये सब कुछ छोड़कर जाना ही पड़ेगा। नहीं दीदी, नंदिनी रवि को छोड़कर कभी नहीं जाएगी। जाएगी, जरूर जाएगी वो यहाँ से। तुम दीदी को नहीं जानती, वो नंदिनी को यहाँ से बाहर निकाल कर ही रहेगी। वो नंदिनी और रवि के बीच में इतनी दूरियां पैदा कर देंगी कि एक न एक दिन उन दोनों को अलग होना ही पड़ेगा। और अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब तुम जानती हो, रवि सिर्फ तुम्हारा, इसीलिए तुम्हें हमारा साथ देना होगा, समझी? बात याद रखना जी, मैं रवि को पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। भाभी जी, भाभी, वो इंस्पेक्टर साहब आए हैं, अपने साथ में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी लाए। मेरी समझ में नहीं आ रहा किस किस का नाम आने वाला है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में, कुछ समझ में नहीं आता क्या करें, अब क्या होगा? ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, ना तुम इंस्पेक्टर के सामने अपना मुंह खोलती और ना ये मुसीबत आती। लक्ष्मीबाई के बयान पे ले जा रहे थे उस लड़की को, आहुजा की दूसरी पत्नी है।
आप मिस्टर आहूजा की बीमारी से बहुत परेशान थी। आप उनसे अक्सर कहा करती थी ना, या तो वो ठीक हो जाए या तो मर जाए। आप भी अपने पति को मार सकती हैं। और आप शालिनी, आप तो मिस्टर आहूजा से बहुत ही नाराज होंगी, क्योंकि आपकी बहन को उन्होंने बतौर बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया था, उन्होंने नंदिनी को स्वीकार किया था। हो सकता है कि आपने किया हो। और आप मिस्टर आहूजा के छोटे भाई है ना, आप भी उसी ऊंचाई और उसी शौहरत को पाना चाहते थे जो आपके भाई के पास थी। बताइए आपके ऑफिस में पोजीशन क्या है, मतलब चेक पर साइन करने की अथॉरिटी आपको होगी ही ना। कल रात आप मिस्टर आहूजा के कमरे में क्यों गए थे? श्री देवेंद्र आहूजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक एक बात तो साफ है, कि उनकी मौत